नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। टोल प्लाजा के समीप युवक की हत्या, कुएं में फेंका शव, परिजन जता रहे हत्या का संदेह। कछियाना मोहल्ले में दो पक्षों में विवाद। समाज सेवी के ऊपर मंदिर के बाहर चाकू से हमला। मकान पर पत्थर फेंकने को लेकर जमकर हुआ विवाद। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सीतामढ़ी क्षेत्र की, जहां पर मकानों पर पत्थर फेंकने का मामला सामने आया है। दो पक्ष इस पत्थर फेंकने को लेकर आमने सामने हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। वही पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही। दमन और कोतवाली अंतर्गत सीतावाड़ी क्षेत्र से एक मामला सामने आया, जहां दो पक्ष आमने सामने हो गए। बताया जाता है घरों पर पत्थर फेंके जा रहे थे। इसी बीच स्थानीय लोगों ने देख लिया कि किन के द्वारा पत्थर फेंके जा रहे हैं। पहले गाली गलौच हुआ, बाद में मामला बढ़ता चला गया। दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसमें घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। कहाँ के रहने वाले हो? फरीदाबाद में रहते। क्या हो गया इनको? पत्थर फेंके इनने, पत्थर पकड़ गए इनके, इन्हें मार दो। कौन फेंकता था पत्थर? कौन फेंकता था? अरबाज और गरीब, ये फेंका ना होती गली है पीछे। पत्थर कहाँ फेंकते हैं? घर के ऊपर, सब पूरे पूरे मोहल्ला में खतरा था। किसने पकड़ा है, किसने मारा है? क्या हमने देखा, बहुत क्या नाम है जो घायल है? मुझे और एक और आपका नाम? कहाँ की रहने वाली हो? सीताबागी में। ये कौन है आपकी? भाभी। क्या नाम है इनका? जमीला। क्या हो गया ना, किसने मारा? दीवार पत्थर फेंक रहे थे, कहने लगी कि किसने फेंकी किसने फेंकी, तो गाली गुफ्तार होने लगी। वो गाली गुफ्तार होते होते मारा पीट होने लगी। किसने मारा है? सोनू लोग ने मारा, चंग ने मारा, उनके पापा ने, उनकी मम्मी लोग ने। कैसे मारा? देख सकती मरीज के लिए कैसे मारा है। ईंट मारी उसके सीने में भी, सर में भी, मारते रहे। फिर हम लोग बचाने गए उसके लिए। कौन फेंकता है पत्थर? पत्थर कौन फेंकता है घरों पे? ये बोलते मोहल्ले की फेंकते हैं, वो उन लोग के घर पे फेंकते, वो उनके घर पे फेंकती हैं। रोज पत्थर फेंकती हैं, उन लोग का जीना हराम हो। उधर आके देखो कितने लोग घायल हैं। एक को लेके आए हैं अभी, एक दो तो घर पे हैं, उनको लेके नहीं आए। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, सभा। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत कछियाने से एक मामला सामने आया, जहां पर जमकर मारपीट की गई है। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश के चलते पूरी मारपीट हुई है। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कछियाने में दो पक्षों में विवाद हुआ, जमकर लात घूंसे, डंडे चले, पत्थर चले, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। देर रात की यह घटना है। कछियाना मोहल्ले में जैन परिवार में यह पूरा विवाद हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। वहीं पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। घटना के संबंध में घायलों ने हमें बताया। एक मिनट जी बाबूजी, क्या हो गया है? अरे बीच बचाव में मार दो पत्थर। कहाँ हो रही थी लड़ाई, किसकी हो रही थी? पहचाना नहीं। किसकी लड़ाई हो रही थी? जैन और संतोष नाम जैन, 10-12 जने थे। किस वजह से लड़ाई हो रही थी? आप क्या कर रहे थे वहाँ? अरे हम बीच बचाव करने गए थे लड़के का, हेमंत जैन हमारा लड़का। कौन है हेमंत आपका लड़का? क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार।
हमको बचाने गए थे तो हमने मार रहा है। किसने मारा है? संतोष नाम। कौन है? संतोष नाम देव। कौन है? नाम देव संतोष नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? कचाना। पुलिस के द्वारा मामले दर्ज कर लिए गए हैं, मामले में कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। दमनगर कोतवाली अंतर्गत पेलाताल टापू के समीप दिन दहाड़े चाकूबाजी का मामला सामने आया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ चाकू चल रही है। अब समाज सेवी गुड्डा साहू के ऊपर चाकू से हमला किया गया है। समाज सेवी एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष गुड्डा साहू के ऊपर हमला किया गया। बताया जाता है बेलाताल टापू मंदिर पर वे दर्शन करके लौट रहे थे। इसी बीच मंदिर के बाहर दो युवक खड़े हुए थे जिनके द्वारा ये हमला किया गया, चाकुओं से हमला किया गया। वह समझ भी नहीं पाए कि उनके ऊपर क्यों हमला किया गया, उनकी कोई पुरानी रंजिश भी नहीं है। इस घटना से वह काफ़ी आक्रोश में है और उनका कहना है कि पुलिस को जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए। आपका गुड्डा साहब, क्या हो गया है? हम मंदिर गए थे पूजा करने, मंदिर से निकली टापू मंदिर से, तो वह एक गाड़ी पर बैठे थे एक लड़का हरे कलर को सूट, पठानी सूट, और एक दाढ़ी वाला तो लम्बू लम्बू लड़का, और एक मैंने तो काले कपड़ा तो मतलब होता सूट बुलंद ना जी अपन लोवर वो वालो पैर सूट वो। बस जैसे ही हमने गाड़ी स्टार्ट करी उनने चाकू मारना चालू कर दिया, तो हम भागे अंदर गए थे। हमने कहा पता नहीं कहाँ और कौन है, जानते भी नहीं है। कहाँ की घटना है? ये बेलाताल टापू मंदिर। देखने लायक होगा आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं। संजय सरवरिया, लकड़ीसिया न्यूज, दबाव। दमन देहात थाने की जोधपुर नागा चौकी अंतर्गत टोल प्लाजा के समीप सूरज राय का शव कुएं में देखा गया। बताया जाता है किसी के द्वारा हत्या करके फेंका गया है। परिजनों के द्वारा ये संदेश जताया जा रहा है। जमकर हंगामा हुआ और दमो जोधपुर स्टेट हाईवे पर जाम भी लगाया गया। दमोह देहात थाने की जलपुर नाका चौकी अंतर्गत टोल प्लाजा के समीप एक युवक की मौत हुई है। कुएं में शव देखा गया, जब शव को बाहर निकाला गया तो चोट के निशान है, जिसके बाद परिजनों के द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। सुबह पुलिस पहुंची थी जिसके द्वारा शव को कुएं से बाहर निकाले गए थे। इस मामले में जांच की जा रही है। परिजनों के द्वारा काफी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरा नाम संजय राय है और मैं कोटा तालाब में रहता हूँ, और मेरा बड़े पापा का लड़का है सूरज। तो सुबह हम लोग को जैसे ही सुबह उठ रहे थे तो हम लोग को पता चला कि ये सूरज घर से मिसिंग है। तो ये करीब 4 बजे की बात है, तो ये ढूंढते हुए परेशान हो गए, तो हम लोग टोल टैक्स की वहाँ पे फुटेज भी चेक करवाई, ऐसा ना हो कि गुस्से में कहीं घर से भाग गया हो। तो पंप की फुटेज भी चेक करवाई उसको, तो जस्ट दुकान के पीछे एक कुआ है, तो कुएँ में लोगों का शक है उसमें कि चप्पलें वगैरह मिली, तो यार ऐसा ना हो कि उसमें कुछ है। तो फिर एक गांव के मतलब पापा ही रहे वहाँ, तो वो कुएँ में कूदे और उन्होंने देखा तो उसमें पाया गया कि सूरज है उसमें। अब चूंकि बाहर निकाला गया सूरज को, तो उसमें चेहरे पे निशान, पलट के निशान और कानों पर भी निशान है उसमें। तो ऐसा लगता है कि रात में 2 से 4 के बीच में कुछ ट्रक आके खड़े होते हैं, और उसमें से कोई 2 से 3 व्यक्ति निकलते हुए जो फुटेज में साफ साफ दिख रहा है, कंटेनर है जो। तो ऐसा मान के चल रहा है अपन, वो संदिग्ध है कि मर्डर है वो। तो पानी में गिरते हैं तो कभी मतलब ऐसा तो ब्लड के निशान और ये ब्लू ब्लू निशान भी उसमें जैसे स्कैन हो जाता है वो आ रहा है उसमें साफ साफ। क्या लगता है आपको क्या हुआ है? अब वो तो विवेचना में और पोस्टमार्टम में के बाद में पता चलेगा, और लेकिन ये है कि साफ लग रहा है हम लोग को कि उसमें मर्डर है, वो साफ दिखाई दे रहा है उसमें। किसी पे शक आप लोगों नहीं? ऐसा शक तो नहीं है किसी पे भी, लेकिन अब व्यक्तिगत बुराई तो उसकी किसी से नहीं थी, और सब लोगों से व्यवहार भी अच्छा था। बाकी चूंकि रात की घटना है तो शायद कुछ ऐसा घटना घटित हो सकती है उसमें, तो हम लोग को लगता है उसकी साफ विवेचना की जाए और जल्द से कार्रवाई की जाए। इस मामले को लेकर लोगों में काफी आक्रोश था। लोगों के द्वारा शव रखकर टोल प्लाजा के समीप जाम लगा दिया गया, घंटों तक जाम लगा रहा, काफी परेशानी यहाँ राहगीरों को हुई। वहीं पुलिस के द्वारा लोगों को समझाया गया। देखिए सूरज राय उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी कोटा तला, शव जो है वो कुएं के अंदर आज सूचना प्राप्त हुई थी, उसको निकलवा कर क्लीन करवाया गया है, उसके ऊपर मर्ग पंजीबद्ध कराया गया है, और घटना से
संबंधित प्रत्येक पहलू पर बारीकी से जांच की जा रही है। मर्ग जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उन पर तत्काल प्रभावी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों को जिस भी पहलू पर आशंका है उस प्रत्येक पहलू पर बारीकी से जांच की जाएगी। परिजनों एवं अन्य साक्षियों द्वारा घटना से संबंधित जो भी स्टेटमेंट दिए जाएंगे उनका प्रॉपर तरीके से तस्दीक किया जाएगा और प्रत्येक पहलू पर जो है वो जांच की जाएगी। सर, परिजनों का आरोप है हत्या हुई है। देखिए, पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात और अन्य जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य होंगे या कोई आई विटनेस होंगे उनके स्टेटमेंट के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। अभी हमने मर्ग जांच में ले लिया है और ये जांच के पश्चात ही तय हो पाएगा। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़, दबाव। दमोदेहा थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां नाती के द्वारा दादी से मारपीट की गई है। दादी को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, काफी वृद्ध है दादी जिसके साथ ये मारपीट की गई है। दमोदेहा थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत सेहोरा पड़रिया से एक मामला सामने आया जहां पर नन्ही बहू पति धन्नी अहरवाल उम्र 85 वर्ष के साथ उसके ही नाते मुकेश अहरवाल ने मारपीट कर दी। महिला को काफी चोट आई है जिसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। महिला की माने तो नाती पहले भी एक बार मारपीट कर चुका है। कहाँ के रहने वाले? कौन है आपकी? क्या नाम है इनका? क्या हो गया इन्हें? घर का दारू पी के अपनी घर वाली को मार रहा था। बाहर पर पूछना रही कि दस बजे रात की बात है, उनने ज़्यादा हल्ला सुना तो भाग गई। वैसे तो भाग गई, डंडा लिए थे, चलते हुए चलने में दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी वो वहाँ अंधेरे में गई। कहा कि हल्ला कर रहा है तो वहाँ से इनका डंडा छुड़ा के दो तीन डंडा इन्हों देखा। कौन है इनका? वो इनका नाती कहलाया। क्या नाम है इसको? उसका मुकेश अहरवाल। उनके घर में वो कहने से उनके पिताजी भी ऐसे काम करते यार, गुंडागर्दी के सिवा हम लोग बहुत परेशान करते। देखने लायक होगा इस संबंध में क्या कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़, दबाव। शॉर्ट सर्किट से करंट लगने के बाद एक युवक को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जाता है कि युवक पानी की मशीन चालू कर रहा था। जवेरा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां कलईगुड़ नाम के एक युवक को करंट लग गया। बताया जाता है ये खेत पर काम कर रहा था, पानी की मशीन को चालू कर रहा था, इसी बीच अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे गंभीर रूप से युवक झुलस गया है। जिला अस्पताल में इलाज के लिए उसे दाखिल कराया गया जहां उसका उपचार जारी है। स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। कहां के रहने वाले हो? क्या हो गया आपको? अरे वहां का करंट लग गया। कैसे, क्या कर रहे थे? पानी चला थे क्या? जो वाला फॉल्ट है नहीं थे गए, अभी चालू नहीं हुई, चालू करे चालू हुई गए फॉल्ट है नहीं थे। कहाँ चला रहे थे पानी? धान में। हाँ, धान में, धान राज में। कहाँ के रहने वाले? सावरा। कौन है आपके पिता? क्या नाम है इनका? कलन। क्या हो गया है, क्या कर रहे थे? वो मोटर चालू करने गए थे, पता हम लोग धान काट रहे थे तो पता नहीं कैसा फॉल्ट बन गया उनको। कैसे करंट लग गया है? मोटर चालू करने गए थे। किसान ही करते हैं? हाँ किसान, धान हम लोग धान काट रहे थे। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़। प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन होता है, काफी तादाद में आवेदक अपने आवेदन लेकर पहुंचते हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा जनसुनवाई प्रारंभ की गई, तब से दमोह जिला मुख्यालय पर लगातार आवेदकों का मेला लगा हुआ है। प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन होता है। कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई होती है जहाँ अधिकारियों के द्वारा समस्याओं को हल किया जाता है। काफ़ी तादाद में आवेदक अपने आवेदन लेकर पहुंचते हैं, जिन पर सुनवाई के लिए वे अपने आवेदन अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिस पर सुनवाई की जा रही है। सिविल
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका आरोप होता है कि जनसुनवाई में कई बार आवेदन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज़ तमाम। किसानों के द्वारा लगातार कई बार आवेदन दिए जाने के बावजूद व्यापारी के द्वारा अब तक किसानों का पैसा नहीं दिया गया। कुड़ाई के व्यापारी के द्वारा ये पैसा नहीं दिया गया। एक बार पुनः किसान तब पहुंचे। ग्राम कुड़ाई के किसान काफी परेशान हैं। इनके द्वारा एक व्यापारी को माल दिया गया था लेकिन व्यापारी के द्वारा भुगतान नहीं किया गया। 20 से अधिक व्यापारी हैं। लगभग 20 लाख का माल इनके द्वारा व्यापारी को दिया गया था। जब भी ये पैसा मांगने जाते हैं व्यापारी आत्महत्या की धमकी देता है। इस बात की शिकायत पूर्व में इनके द्वारा की जा चुकी है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं, ना ही इनको पैसा मिला, जिसके बाद एक बार पुनः ये कलेक्ट्रेट पहुंचे और उचित कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन दिया है, क्या मांग है आप लोग? ग्राम कुड़ाई के ग्राम वासियों ने अप्रैल माह में व्यापारी रवि सिंह को माल दिया था। उसने फसल का अभी तक भुगतान नहीं किया है, माल का भुगतान। जब ग्रामवासी फसल का भुगतान मांगने जाते हैं तो व्यापारी धमकी देता है मरने की। इसकी शिकायत SDM साहब के यहाँ की गई, थाना प्रभारी के यहाँ की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा थाना प्रभारी ये बोल रहे हैं कि हमसे पूछ के दिया था क्या माल। माली हालत किसानों की बहुत गंभीर है। अप्रैल से किसान परेशान हो रहे हैं, लगातार अधिकारियों के यहाँ भटक रहे हैं। कितने किसान हैं जिनका पैसा जमा है? 15-20 किसान हैं। कितना पैसा हुआ? लगभग 20 लाख रुपए। कौन है व्यापारी? व्यापारी हैं रवि सिंह, कुड़ाई के हैं, ग्राम कुड़ाई के। बताइए। मेरा नाम प्रशांत सिंह लोधी है, मैं एक किसान परिवार से हूँ और ग्राम कुड़ाई का निवासी हूँ। प्रक्रिया ये है कि हम लोगों ने रवि सिंह लोधी पिता श्री संतोष सिंह लोधी, ग्राम कुड़ाई के जो व्यापारी हैं, उनके खेत पर ही तुरंत भुगतान करने के माध्यम से सब लोगों ने, हम किसान भाइयों ने इनको फसल बिक्री की थी और फसल बिक्री के उपरांत इनसे राशि फसल बिक्री की मांगी गई, जो अभी तक पीछे 5-6 माह हो चुके हैं, जो अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। यह प्रकोर मामला है। इसी संबंध में हमने अभी थाना प्रभारी पटेरा वहाँ पर भी ज्ञापन दिया था। संबंधित कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण SDM श्री राजस्व विभाग हटा, उनको SDM सर को भी ज्ञापन दिया था इस संबंध में। तो वहाँ से मंडी समिति आई थी, उन्होंने प्रकरण पंजीबद्ध किया, उसके बाद फिर वो चले गए। इसके बाद कोई कार्रवाई बीते तो कुछ कार्रवाई ना होने के कारण बीते 6-7 माह हो चुके हैं। तो हमने आज जन सुनवाई में यहाँ पर माननीय कलेक्टर साहब के सामने ये आवेदन लेकर आए हैं कि हम लोग को न्याय दिया जाए और किसानों की जो मेहनत की कमाई है वो व्यापारी द्वारा जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। यह तानाशाही की स्थिति है, किसान इससे काफ़ी परेशान है, यह मुख्य वजह है। देखने लायक होगा कब तक इन्हें पैसा मिल पाता है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज सभा। साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष नवीकरण साहू दमो पहुंचे। गुड्डा साहू पर हमला होने के बाद तो उन्हें देखने के लिए पहुंचे। सिविल डॉक्टर के बीच बहस हो गई, काफी देर तक जिला अस्पताल में हंगामा चला। साहू समाज के प्रतिनिधि गुड्डा साहू पर जो हमला हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष दमो पहुंचे। उनका हाल चाल के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। उनके साथ काफ़ी तादाद में समर्थक थे। इसी बीच अस्पताल के स्टाफ एवं डॉक्टर से वह आपस में उलझ गए, जिसके बाद विवाद हुआ और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। कि उनको जो खून उन लगा है स्वेटर को साफ कर लीजिए। हम लोग बोले आप लोग तो पहले कोई आया छिंदवाड़ा से आया, कोई आया, अगर आपको लेने आया भाई भाई यहाँ एक ऑफिस में व्यक्ति बैठाना चाहिए कि भैया एक एक करके जाइए। हमारे यहाँ भी हॉस्पिटल में है, हमारे यहाँ इतने स्टाफ नहीं है भाई साहब। नहीं, तो यही है ना सर, इन लोगों से होता कुछ नहीं है, होशियार ही बताने हम इस सही बात कर रहे हैं। तभी तो आप लोग हमें नहीं है, कर्मचारी आपको ही देने, आपकी सरकार है ना, इसमें कुछ होता नहीं है। आके रोज यहाँ दिखाते हैं, साला 10 साल से तो मांग रहे हैं डॉक्टर, कितने लाके दे दिए। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इसको सस्पेंड कराएंगे, उसको टर्मिनेट कराएंगे, पूरे अस्पताल को बंद करवा दो ना। मरीज को जब देख रहे थे तो मरीज को देखने के बाद जब देखा कि उनको खून भी निकल रहा पट्टी होने के बाद, उसके बाद जो है
हाथों में खून है, पैर में खून, तो हमने सिस्टर से बोला, सिस्टर ये है इनका खून, बेयर स्पिरिट से साफ कर दीजिए ताकि उनके परिवार वालों को सही लगे। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर साहब पहले उंगली दिखाते हुए, पहले आप जाइए, आप लोग बाहर जाइए, पेशेंट के पास एक लोग मिलेगा। हमने कहा अभी हम लोगों को एसपी साहब के पास मुलाकात के लिए जाना है, 1 बजे हमें हटा पहुंचना है, हमारे पास समय ही नहीं है, हम लोग को जा ही रहे हैं, आप थोड़ा बिहेवियर सही से बात करिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो ये कि ठीक है, हमारे संगठन को जो और भी कार्यकर्ता हैं, हो सकता है अभी को उतने पढ़े लिखे ना हो, लेकिन उनसे उन्होंने इस तरह से बात की, आप तो डॉक्टर हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, सिचुएशन समझ सकते हैं, जब किसी के ऊपर बार होता वो देखने आता तो उसके ऊपर क्या, आप हमारा सस्पेंशन करवा दीजिए। उन्होंने बोला कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग को शिष्टाचार हम लोगों को मालूम है, उसके बाद भी गाली गलौज करने पर उतारू हो गए। और गाली गलौज जब किया तो जब कोई भी डॉक्टर एक अपने जगह बोलता, आपने बोले आप लोग चुपचाप 5-6 लोग हैं निकल जाइए, नहीं तो पूरा स्टाफ घेर करके तुम्हें यहाँ पे दरवाजे के अंदर जो बंद करके मारेगा तुम्हारे को। एक व्यक्ति को चाकू से हमला किया गया था जिसको भर्ती कराया गया, उसका उपचार लगातार जारी था, लेकिन इनके साथ काफी लोग भीड़ में एक साथ वहाँ पहुंचे, 50-60 लोग थे। ऐसे में वार्ड में काम करने में बड़ी परेशानी होती है, फीमेल स्टाफ है हमारा, उन लोगों को भी जाने में दिक्कत होती है, और कुछ लोग उसमें से शराब वराब भी पिए हुए हैं, और इन लोगों के द्वारा अभद्रता जारी चालू की गई। हमारे जो सर्जिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर उमेश कंदवाय साहब हैं, उन्होंने इनसे यही बस बोला कि भाई आप लोग बाहर हो जाइए, मरीज का पूर्ण जो इलाज बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए वो उनको उपचार मिलेगा। तो इस पर बेसिकली कुछ जनप्रतिनिधि हैं इनमें से, तो उनको बड़ा उनका ईगो डिस्टर्ब हुआ कि एक छोटा सा डॉक्टर हमसे कैसे बदतमीजी से बात कर सकता है। जैसे आप लोगों ने भी देखा, वो कह रहे थे कि हमारे लिए कोई विशेषज्ञ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं, हमारे लिए सिंपल वो एक कर्मचारी है। अगर वो एक तुच्छ कर्मचारी समझ रहे हैं तो हम लोग भी बताएंगे कि हम तुच्छ कर्मचारी क्या कर सकते हैं। हमने कोविड में भी दिखाया, हम डेंगू में भी दिखा रहे हैं, और पिछले 10 सालों से दिखाते हुए आ रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये सरकार की नाकामी है, ये साले डॉक्टर नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें देते हैं, और हम लोग जो एक एक डॉक्टर 4-4, 5-5 डॉक्टरों का काम कर रहा है उस पे भी आके हम लोगों पे दादागिरी दिखाते हैं। आगे आपका क्या एक्शन? आगे एक्शन ये रहेगा, वो देखते हैं वो क्या करते हैं, और हम उनको भी दिखाएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, दोनों ही पक्षों के द्वारा कार्यवाही की मांग की गई है। देखने लायक होगा क्या कार्यवाही होती है। अर्शद बंटी पठान, लखड़ी से न्यूज दबाव। कोटवार संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, दमोह कलेक्ट्रेट के बाहर इनके द्वारा धरना दिया जा रहा है। इनकी समस्याओं पर प्रदेश सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, जिसके चलते इनका धरना प्रदर्शन आज जारी रहा। कोटवार संघ के सदस्य धरने पर बैठे हैं। इनका कहना कि सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। कई बार सरकार को बताया गया कि ये काफ़ी परेशान है, विभिन्न तरह की समस्या है, ने जो भूमि दी गई थी उसको लेकर भी परेशान है, जो वेतन है उसको लेकर भी परेशान है, कई तरह की अन्य समस्या से बार बार प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते ये धरने पर बैठ गए हैं। क्या इनकी प्रमुख समस्या है, इन्हीं से जान लेते हैं। दादा, किन समस्याओं को लेकर आप यहाँ पे आए? समस्या ये है सर, 400 रुपये में हमारा जो कोई जुगाड़ नहीं। अब जमीन दे रही, तो जमीन से होता है वो मर गई सब फसल, तो कम से कम है ना 5,000-6,000 की तनख्वाह तो होनी चाहिए है, सबकी 30-40 हज़ार तनख्वाह है। तो हम फुटवारों को 400 मिल रहे, क्या होता है 400-4,000 मिल रहे हैं। समस्या जी है सर, तो आप ये हड़ताल कर रहे हैं? हड़ताल कर रहे हैं। कब से कब तक की है हड़ताल? हम 4-6 तारीख तक। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? तो हड़ताल जारी रहेगी। जारी रहेगी। क्या नाम है आपका? पूरन लाल अध्याय। राजस्व मामले में कोटवार काफी महत्वपूर्ण कड़ी होता है, ऐसे में देखने लायक होगा इनकी समस्याएं कब तक प्रशासन हल करता है। नरेंद्र ठिया, लकड़ी सी न्यूज दबाव।
गीरन ग्राम के लोग काफी तादाद में दमो पहुंचे। इनका आरोप है कि बरसों से जिस भूमि पर वे काबिज थे वह डूबने आने वाली है, जिसके चलते उन्हें हटाया जा रहा है। इस बात से वे खासी नाराज है और दूसरी भूमि दिए जाने। जनपद पंचायत बटियागढ़ के अंतर्गत आने वाले गीदन क्षेत्र में लगातार लोग परेशान हैं। बरसों से भूमि पर काबिज हैं, स्थानीय समस्याएं हैं, लेकिन अब तक किसी भी समस्या का हल नहीं हुआ। काफ़ी लंबे समय से संघर्ष करने के बाद जब समस्याओं का हल नहीं हुआ तो आज ये दमो पहुंचे। काफ़ी लोगों के साथ ये दमो पहुंचे, समस्या प्रशासन के समक्ष रखी और उन्हें हल करने की मांग भी रखी। माता राम, कहाँ से आई हैं आप, क्या समस्या है आपकी? क्या समस्या है आपकी आप बताओ। कब से कब्जा है आपका जमीन पे? कितने लोग हैं ऐसे ऐसे कितने लोग हैं? समस्या ये कि शासन ने जो सिंचाई परियोजना माध्यम विभाग कहाँ से कौन सा डैम बन रहा है उसमें उन्होंने 750 हेक्टेयर हमारी जमीन राजस्व विभाग की ट्रांसफर कर दी है। अब उनको सर्वे करवाना चाहिए सरकार। हम लोग वहाँ वास कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? उन्होंने पूरी जमीन ट्रांसफर वन विभाग में दे दी। हम लोग प्रोग्राम किसान बना चुके पूरी। अब वो जो हम फसल हुए उसको भी कह रहे हैं कि हम सरपट डालेंगे, वो यहाँ से हटिए। अभी आप कलेक्टर से मिलने आए थे, क्या समस्या लेके आए थे? समस्या वो आवेदन में जो लिखा दिया है उसमें जैसे जो मैंने बताया वही आवेदन में लिखा है। अर्शद बंटी पठान, लकी डीसीएन न्यूज, सभाव। पथरिया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 87,000 रुपए का जुआ पकड़ा गया है। बताया जाता है कि नंदरे गांव में छापा मार कार्रवाई की गई जब ये जुआ पकड़ा गया। पथरिया थाना अंतर्गत क्षेत्र में जुआ के फड़ लगातार संचालित हो रहे थे। पुलिस को मामले की जानकारी लग रही थी। बीती रात उप निरीक्षक आलोक तरपड़े ASI संजय सिंह ने स्टाफ के साथ नंदरई में जाकर छापामार कार्रवाई की तो पता चला कि खेत में काफ़ी लोग जुआ खेल रहे हैं। 16 लोगों को पकड़ा गया। 87,000 रुपये से अधिक की जब्ती की गई। वाहनों को भी जब्त किया गया। देर रात तक यह कार्रवाई चलती रही। बाद में मुचलके पर इन्हें छोड़ा गया। काफ़ी बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें 1,000 रुपये की जब्ती और वाहनों को जब्त किया गया है। 16 आरोपी बताए जा रहे हैं। इस कार्रवाई के संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया। ये थाना क्षेत्र में जुआ हो रहा है, इसकी आज सूचना मिली कि नंदरई हार में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। इसमें जो टीम नियुक्त की है जो कि इसकी तस्दीक की गई तो वहाँ पर कुछ जुमाड़ियाँ जुआ खेलते पकड़े हैं। इसमें से 16 लोग जुआ खेलते पकड़े हैं। सर इसमें 4 बाइकें और 87,650 रुपये नगद सभी जुआ के पर्से उनके पास जब्त किए। सर नगर में हल्ला है कि 3 लाख से ज़्यादा का जुआ पकड़ा गया है। यार ये गलत है, दूसरी है क्लियर है। जितना सर बाइकें तो ज़्यादा रखी हैं लेकिन सर नहीं, ये नहीं है, इतने मौके पर मिली। आफ्ताब खान की रिपोर्ट। दमनगर के संस्कार भवन में संगीत में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन चल रहा है जिसमें रुक्मणी विवाह संपन्न हुआ। दमो के संस्कार भवन में संगीत में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। ये भव्य आयोजन है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में स्थानीय लोग भी मौजूद रहते हैं जिनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न होते हैं। यहाँ पर रुक्मणी विवाह संपन्न हुआ। इस प्रसंग पर भक्त जहाँ जमकर नाचे इस प्रसंग पर।
सबको लग रहे हैं दुल्हन है श्री रुक्मणी प्यारी दुल्हन नंद कुमार ऐसी छमके दर्शन को हो जाए ऐसी छमके दर्शन को हो जाए इस अवसर पर काफी तादाद में भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकड़ीसिया न्यूज, तपाव। खबरों में हम बात करते हैं गढ़ाकोटा की, जहां पर गोपाल रसोई में प्रतिदिन लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। लोगों के द्वारा अपना जन्मदिन भी यहां पर मनाया जाने लगा है, ताकि लोगों की सेवा हो सके और गरीबों के बीच अपना जन्मदिन भी मनाया जा सके। गढ़ाकोटा में गोरेलाल भार्गव कॉम्प्लेक्स में गोपाल रसोई बेसहारा निर्धन एवं निशक्त जनों को निशुल्क भोजन व्यवस्था निरंतर चला रही है। यहाँ के संचालक बिक्की जैन संभालते हैं। बेसहारों के लिए दोनों टाइम खाना चाय व्यवस्था रहती है। नगर के लोग भी अपना जन्मदिन सालगिरह मनाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, बेसहारों को खाना खिलाते हैं। आज गढ़ाकोटा के नाबेद खान का जन्मदिन था, उन्होंने आकर बेसहारों को अपने हाथों से खाना खिलाया, दान की रसीद कटवाई। जब हमारी समाचार सेवा ने नाबेद खान से बात की तो उन्होंने अपने जन्मदिन के संबंध में साथ ही बेसहारों की मदद के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। क्या नाम है आपका? सैयद नवीद। आप जन्मदिन के स्तर पर गरीब बेसहारों को जो मदद की, इसके बारे में क्या जानकारी? गोपाल जी रसोई में कुछ मदद का लोग आते हैं खाना खाने के लिए, तो मैंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन सभी के लिए आज खाना खिलाया है। और मैं सब उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि सब लोग अपने अपने जन्मदिन पर यहां पर एक बार अवश्य आएं और वृद्ध लोगों को अपनी ओर से खाना खिलाएं और अपने जन्मदिन की इन सभी वृद्ध लोगों के साथ खुशियां बांटें। इसी तरह से लोगों से उनके द्वारा अपील की गई कि लोग भी अपना जन्मदिन गरीबों के बीच मनाएं और उनका ध्यान भी रखें। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। टोल प्लाजा के समीप युवक की हत्या, कुएं में फेंका शव, परिजन जता रहे हत्या का संदेह। पछियाना मोहल्ला में दो पक्षों में विवाद। समाज सेवी के ऊपर मंदिर के बाहर चाकू से हमला। मकान पर पत्थर फेंकने को लेकर जमकर हुआ विवाद। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं चाचा नमस्कार।